नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में आज जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे और इसके चलते आज मैनपुरी जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसके लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि रैली की वजह से भारी यातायात होने के चलते छात्रों और अभिभावकों को अत्यंत असुविधा हो सकती है। मैनपुरी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा उपचुनाव के लिए 2 दिसंबर को रैली प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी की रैली में भारी यातायात होने की संभावना के चलते छात्रों और उनके अभिभावकों को अत्यंत असुविधा हो सकती है। ऐसे में बच्चों और उनके अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्तीय प्रोशिक और ICSE और CBSE बोर्ड को लेकर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के सभी स्कूल 2 दिसंबर को बंद रखे जाए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई है और इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान है और जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं। सपा ने इस सीट पर डिंपल यादव को टिकट दिया है जबकि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया है और CM योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने पहुंचेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण यादव, CM योगी आदित्यनाथ की रैली है। जी देखिए समन, मैं आपको बता दूं, आज मैनपुरी में क्रिश्चियन ग्राउंड पर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ 3 बजे मैनपुरी हेलीपैड से क्रिश्चियन कॉलेज पहुंचेंगे। इस चीज पर क्रिश्चियन ग्राउंड मैनपुरी में सभा को संबोधित के लिए पहुंचेंगे और 4:10 बजे खेरिया एयरपोर्ट आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मंत्री ने एक विशाल जनसभा को भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साहब के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री SC सिंह बघेल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहेंगे और ग्राम को बलिया बैरिकेटिंग किया जा रहा है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्रिश्चियन ग्राउंड में 10,000 सिटिंग की व्यवस्था है और मैनपुरी क्रिश्चियन ग्राउंड में 1,00,000 लोगों की क्षमता ग्राउंड है, क्षमता का ग्राउंड है। सुरक्षा के लिए अत्याधिक बलों पुलिसकर्मी और लखनऊ के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम मुख्य सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक कमलेश जी के द्वारा मैनपुरी को छावनी में तब्दील कर दिया है और स्कूल कॉलेजों की छुट्टी भी कर दी है और कई रूट डायवर्जन भी कर दिए हैं। जी अरुण, जैसे जानकारी सामने आ रही है कि इसको लेकर जो छात्रों और उनके अभिभावकों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, पूरा मामला क्या है थोड़ा बताइए। देखिए जो रूट डायवर्जन किया है, क्योंकि काफी संख्या में भीड़ होने की संभावना है, इसलिए पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने लगातार पूरी मैनपुरी की छावनी में तब्दील कर दिया। उसके बाद जो बच्चे जो स्कूल जाएंगे, जो गाड़ियां से स्कूल जाते हैं, कहीं कहीं उनको भी परेशानी हो, इस वजह से उन्होंने बच्चों की स्कूल बोर्ड ऑरिएंटेड तक बच्चों की सभी बच्चों की आपकी छुट्टी कर दी है। जी जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। यूपी के मेरठ में एक महिला ने दरोगा सिपाही सहित 4 लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला झूठ बोल रही है और एक मामले में जेल जा चुकी है। जिस दरोगा ने उसे गिरफ्तार किया था उस पर दबाव बनाने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और महिला का कहना है कि वो सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती है, शहर में कूड़ा बीनने वालों के लिए आवाज उठाती है और 15 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के नौचंदी ग्राउंड में कूड़ा बीनने वालों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वहां पहुंची थी और इसकी खबर थाना पुलिस को लगी तो वो मौके पर पहुंची और गाड़ी के साथ ही उसे भी थाने ले आए और महिला के मुताबिक पुलिस ने उसे शाम को उसको छोड़ दिया, लेकिन गाड़ी अगले दिन आकर ले जाने के लिए कहा और इस पर वो अगले दिन अपनी कार लेने थाने पहुंची और इसी दौरान वहां मौजूद गाजियाबाद के रहने वाले रवि त्रिवेदी और दरोगा के गौतम ने रंगदारी मांगने के आरोप में थाने में ही बंद कर दिया और महिला का आरोप है कि दोपहर करीब 1 बजे दरोगा, 2 सिपाही और रवि मुझे एक कमरे में ले गए और सभी ने मेरे साथ गैंगरेप किया और इसके साथ ही पुलिस ने जबरन झूठे मामले में फंसा कर जेल भेज दिया और इतना ही नहीं घर जाकर बेटी के साथ मारपीट की और साथ ही उससे 80 रुपये लिए
महिला का कहना है कि उसने अपने साथ हुई इस घटना की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी की है और लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मामला मेरठ का है और ये जो महिला है, ये पता चल रहा था कि इसने कोई सफाई अभियान को लेकर के कोई धरना दिया था या उसको प्रोटेस्ट को लेकर के इस पर कार्रवाई की गई थी। पहले तो इसको थाने में पुलिस द्वारा बुलाया गया, उसके बाद फिर इसको बुला करके फिर इसके ऊपर ये पता चला कि मामूली सी घास हुई है, पहले इससे कार्रवाई की गई, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था। दूसरे दिन जब ये स्कूटी लेने पहुंची तो वहां पर कुछ पुलिसकर्मियों ने या दरोगा ने, सिपाही ने इनको कमरे में बुलाया, उसके बाद इनका आरोप है कि मेरे साथ गैंगरेप किया है थाने में के अंदर। और उसके बाद आनंद फानंद में तुरंत ही 384 यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो धारा रंगदारी की होती है, रंगदारी समेत धाराओं में जो कुछ एक और धारा थी मिला करके इसको जेल भेज दिया गया। जब ये जेल भेजा गया तब 44 दिन बाद जब जेल से छूट कराई है तब SSP ऑफिस पहुंची है, वहां पर एप्लीकेशन दे करके इसने कार्रवाई की मांग कर डाली है कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, तत्काल पर कार्रवाई की जाए और मुझे फर्जी आरोप में जेल भेजा गया है, जिसको लेकर के मामला पूरी तरीके से गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश की मैं कह सकता हूँ कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है कि इस तरीके से थाने के अंदर जो महिलाएं सेफ नहीं है और बाहर सरकार के जीरो टॉलरेंस महिलाओं को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है, जिससे ये एक मामला आया बहुत ही गंभीर विषय है। हालांकि जब कल ये सुर्खियां बनी मीडिया की तो इसमें काफी हलचल हुई और उसके बाद वहां पे जो उनका ये बयान आया है कि महिला ने झूठा आरोप लगाया है, जिसकी जांच चल रही है और ये भी बताया था कि महिला पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या सच्चा है क्या नहीं, क्योंकि एक महिला ने अगर आरोप लगाया है तो उसके पीछे का कारण क्या रहा है ये भी जान किया जाएगा। और ये भी देखने जा रहा है कि इस महिला ने अगर आरोप लगाया तो उसमें कितनी सच्चाई है, और क्योंकि एक महिला का सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ कीमती चीज अगर कोई है तो उसका चरित्र होता है, अगर चरित्र को कोई अगर कोई ऐसा आरोप कोई सोच समझ से लगाएगा और ऐसा आरोप लगाने के पीछे क्या मोटिव रहा है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक महिला ने अगर आरोप लगाया जिसमें जांच का विषय तो बनता है कि आखिर पुलिस ने रंगदारी के फर्जी मुकदमे में उसे जेल क्यों भेजा, दूसरी चीज उसके साथ क्या बलात्कार हुआ है और वह 44 दिन बाद ही क्यों एसपी साहब के पास पहुंची, उसको जेल भेजा गया तो किस कारण से भेजा गया, एक महिला उसके पास आरोप लगाने के पीछे कोई और कोई रास्ता क्यों नहीं था, थाने के अंदर उसने ये बात क्यों कही कि थाने के अंदर दरोगा और सिपाहियों ने मिलकर पुलिस थाने में गैंगरेप किया है, अगर उसने आरोप लगाया था तो आरोप कहीं भी लगा सकती थी लेकिन थाने ही क्यों। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर एक मुकदमा दर्ज हो गया है। रामपुर के थानागंज में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल आजम खान ने अपनी जनसभा में एक बयान दिया था जो कि तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, जो उन्होंने कहा कि चार सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूँ कि बच्चा माँ के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। इस बयान को लेकर आजम खान पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान ने कोई विवादित बयान दिया हो। वे पहले भी ऐसे कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी सपा नेता आजम खान ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी मौत चाहते हो तो मुझे यहाँ गोली मार दो, खुदा की कसम वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और तुम्हें मालूम है जब जुल्म के कितने पहाड़ सह रहे हैं हम पर, हंसो बेच दो अपना जमीन, बेच डालो इनके टके के लिए और बता डालो उन अफसरों को जो हमारी बर्बादी चाहते हैं, ये जलसा नहीं है और तुमसे इंसाफ लेने आया हूँ। शिकायतकर्ता महिला शहनाज ने गंज थाना में केस दर्ज कराते हुए कहा कि आजम खान ने महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, अभद्र बयान दिया है, हम सब ने उन्हें वोट दिया, उन्हें मंत्री बनाया और आज वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। इस बयान से मुझे तकलीफ हुई है और सभी औरतें एक जैसी हैं और सभी मेरी माँ बहनें हैं और सब बोल रही हैं कि उन्हें ये गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं सुनता हूं ये बातें, सुनता हूं दोस्तों,
जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है। चार सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा ना के पेट से पैदा होने से पहले ये कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल गोल्डी बराड के अमेरिका में पकड़े जाने की खबर सामने आई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि आरोपी गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया शहर के डिटेन से किया गया है और इंटरनेशनल सोर्स ने भारत की खुफिया एजेंसी को एक बड़ा इनपुट मिला है। गोल्डी को खुद कनाडा में ही जान का खतरा बना हुआ है और इसके लिए ही आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में राजनीतिक शरण लेने के लिए फिराक में है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली है कि 20 नवंबर को या उसके आसपास की तारीख में ही कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड को डिटेन किया गया था। हालांकि अब तक कैलिफोर्निया की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी भारत सरकार को नहीं मिली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में नौवां दिन है और यात्रा उज्जैन के पास के गांव ही जहारना से सुबह शुरू हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा आज आगर जिले में प्रवेश करेगी और गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन में एक दिन के विश्राम के बाद फिर से शुरू हुई थी। यात्रा के प्रवेश स्थल आगर सीमा सात मोरी पर स्वागत की तैयारी चल रही है और यहां कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। उज्जैन जिले के ग्राम झलारा सोयाबीन प्लांट से यात्रा प्रातः 6:10 पर प्रारंभ हुई और यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राव, विधायक जीतू पटवारी और तराना विधायक महेश परमार और घटिया विधायक रामलाल मालवीय आदि भी मौजूद रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा करीब 9:30 लाल माता मंदिर तनोडिया जोड़ के पास पहुंची और यहां पर राहुल गांधी ने यात्रा रोककर सड़क के कृषि उपज मंडी के आसपास खड़े लोगों से बातचीत की है और यहां पर यात्रा कुछ देर रुकी रही। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि समाजवाद एक परिवार के अंदर बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता। वो अपनी जाति के नहीं सिर्फ अपने परिवार के सगे हैं और यह समाजवादी पार्टी के किले को धराशाही करने का मौका है और लगातार चाहे अखिलेश यादव जी हो या उनके चुनावी चाचा हो, कल से आपने मीडिया सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के बारे में किस भाषा का प्रयोग किया और जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय अखिलेश यादव जी जितना उल्टा सीधा बोलते थे और बोले और जब मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ तो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया वे शब्द बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, आपकी गाली का जवाब हम गाली से नहीं देंगे, आपकी गाली का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता, मैनपुरी की जनता कमल का फूल का बटन दबा कर देगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये केवल चुनाव जीतने का सवाल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी बनाने का चुनाव है। ऐसी पार्टी जिसे लोकतंत्र की परिभाषा नहीं मालूम, अगर सपा मैनपुरी लोकसभा में बूथ कब्जा ना करे तो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती, लेकिन इस बार बूथ कब्जा नहीं कर पाएंगे। आप में से कोई आपका भार मांगा नहीं कर सकता, कोई गुंडा अपराधी हो आप शिकायत करिएगा, अगर अपराध कोई करेगा तो मुकदमा उसके खिलाफ लिखा जाएगा, अपराध करने वाले को जेल जाना पड़ेगा। ये जो सत्ता का दुरुपयोग करने का युग था वो अब समाप्त हो गया जी। भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार में रहती है बार बार लौट के आती है, आपको मालूम है ना, आज गुजरात में मतदान हो रहा है, 27 साल से हमारी सरकार है और इस बार के चुनाव में मैं वहां भी प्रचार के लिए गया था, 5 दिन था वहां पे, और 27 साल बाद भी जो सरकार बनने जा रही है, 27 साल में जितनी अधिक सीटें जीत करके हमने कभी सरकार नहीं बनाई उससे अधिक सीटें जीत करके इस बार हम सरकार नहीं बनाई। फतेहपुर में
केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर विद्युत विभाग के संविदा अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर सहित कर्मचारियों ने काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और केंद्र और प्रदेश को सख्त चेतावनी भी दी गई है और मांगे पूरी न होने पर तीसरे दिन हड़ताल जारी रहा है। जिला मुख्यालय में मौजूद हाइडल कॉलोनी में हड़ताल पर बैठे विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश और राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन के नेतृत्व में संविदा कर्मचारी अवर अभियंता अभियंताओं ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल के तीसरे दिन केंद्र और प्रदेश को सख्त चेतावनी दी है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो विद्युत उपकेंद्र पर तैनात SFO और लाइनमैन को भी हड़ताल में शामिल कर आंदोलन को और तेज करने का काम होगा। हम लोग की संयुक्त संघर्ष समिति की 15 सूत्री मांगे हैं जिसमें प्रबंधन द्वारा हर जनता निभाई जा रही है और इसके साथ साथ जो हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय हैं हमारे संगठन से वार्ता के लिए बुलाए भी थे लेकिन उन्होंने अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। जब ऊर्जा मंत्री इस विभाग के असहाय समझ रहे हैं तो उसके कर्मचारी कितने सहाय होंगे ये आप लोग खुद आकलन लगा सकते हैं। और इस संबंध में और कहना है कि हमारे जैसे सभी साथी सभी वर्ग के बैठे हैं छोटे कर्मचारी लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सभी इस पीड़ा से दुखी हैं। जैसा कि आप तीसरा दिन है और अभी तक हमारे ना ही ऊर्जा मंत्री जी ने और ना ही हमारे चेयरमैन महोदय ने किसी भी संज्ञान नहीं लिया है इन लोगों की समस्या क्या है उनको सुना जाए और अगर इसी तरह की समस्या नहीं सुना जाएगा तो जो अभी तक हम लोग पाली ड्यूटी में जो हमारे SSO ड्यूटी पे हैं उनको हम लोग कंसर्न नहीं बुलाए हैं और अगर नहीं सुनी जाएगी तो उनको बुला लिया जाएगा। अभी तो जैसे कई पावर हाउसों में कोविड 19 डाउन हो गई है हमारे और अभियंता महोदय हड़ताल लाइने जो है वो तो शट डाउन है जैसे व्यवधान है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता फतेहपुर से बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह पूरा मामला क्या है? जी ये पूरा मामला ये है कि 15 सूत्री मांगे इनके चल रही थी बिजली विभाग की और जहां पे इनकी मांगे न पूरी होने पर ये बिजली विभाग के अवर अभियंता व इंजीनियर सिविल इंजीनियर और लाइनमैन भी धरना से बैठने का आश्वासन जता रहे हैं। जैसे कि इनका धरना चल रहा है बराबर और हैंडल काल मुख्यालय फतेहपुर जिले के मुख्यालय में हैंडल कॉलोनी है वहां पे सारे पूरे जिले के जे जो है के बैठे हुए हैं और बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है यहां पे। और देखा जा रहा है कि अगर इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया है कि जब तक हम लोगों की मांगे 15 सूत्री मांगे हैं तब तक अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम अनशन धरने पर बैठे रहेंगे। और मसाल जुलूस के माध्यम से इन्होंने वो भी निकाला था मसाल जुलूस भी निकाला था जिससे प्रशासन के कह रहे हैं कि प्रशासन हम अभी हाल भी नहीं लेने आए कैसे हैं कैसे नहीं है अगर जैसे हमें आश्वासन मिलेगा वैसे ही हम काम करेंगे। बबलू सिंह जिस तरह से बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं तो मांगों को लेकर क्या आश्वासन अभी तक मिल पाया है? इनका अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये बराबर ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिले तो हम बराबर धरने पर बैठे रहेंगे। और मैं बता दूं कि फतेहपुर जिले में बिजली व्यवस्था इतने चरमरा गई है कुछ जगह तो लाइन नहीं है और लोगों की फसलें तैयार है किसानों की और किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। ऐसे देखा जा रहा है कि फतेहपुर जिले के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अनदेखा कर रहा है और यहाँ पे इनको कोई आश्वासन अभी तक ना कोई अभी मिला है। इस वजह से कह रहे हैं अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानेंगे तो हम अनशन पे बैठे रहेंगे और आगे भी हम बैठे रहेंगे। जी बबलू सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। हरदोई में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई पूरा देश जान चुका है और साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ा लेने से और भगवा ओढ़ लेने से मन पवित्र नहीं हो जाते हैं। आपको बता दें कि सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी एक कार्यक्रम में हरदोई पहुंचे थे और उन्होंने वहां पत्रकारों से बातचीत की और जिस दौरान उन्होंने ये केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल की सच्चाई सारा देश जान गया है और सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि उन्होंने बताया है साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के दाढ़ी बढ़ा लेने से और भगवा ओढ़ लेने से मन पवित्र नहीं हो जाते।
क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केजरीवाल की सच्चाई अब देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है, और जिस तरह का शब्द जाल और आडंबर वो करने का काम करते हैं, केवल शब्दों से जनता को उन्होंने छलने का काम किया है। गुजरात की जनता उनके इस कारीगरी को अच्छी तरह समझ चुकी है। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और जहाँ तक उनके एक मंत्री के जेल जाने की बात है, सारा मंत्रिमंडल उनका आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, और जब गंभीरता से जांच होगी तो शायद सबकी जगह मंत्रालय के बजाय जेल में ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। इस समय राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल। पीलीभीत में सपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश को लेकर राहत दी है और इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हेमराज वर्मा ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 2018 में भू माफियाओं द्वारा जिला प्रशासन से मिली भगत कर दलित छात्रों का छात्रावास खाली कराया जा रहा था, और मौके पर वो गए और उन्होंने देखा कि वैधानिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही जिला प्रशासन ने भू माफियाओं की शह पर काम कर रहा था और हॉस्टल में ताले लगा दिए गए, जिसका विरोध उन्होंने किया और छात्रों और उनके अभिभावकों ने ताले तोड़े थे और जिस पर उन पर 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने अदालत में चार्जशीट में दाखिल की, जबकि अन्य लोगों के नाम निकाल दिए, और इसके साथ ही अदालत द्वारा मरम्मत सम्मन जारी करने पर उन तक प्रशासन ने वो सम्मन आगे ही नहीं दिए, और जिससे उन्हें अदालती कार्रवाई की जानकारी नहीं हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश हो गया। हेमराज वर्मा का कहना है कि वो हाईकोर्ट की शरण में गए और जिसके बाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश पर रोक लगा दी है। देखिए, हम हमेशा माननीय न्यायालय का कानून का पालन करने वाले हैं, न्यायालय का सम्मान करने वाले हैं, लेकिन जो प्रकरण बापू छात्रावास का था सन 2018 का, उसमें दलित पिछड़े समाज के छात्र वहाँ पर रहकर अपना पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षण कार्य कर रहे थे, और उन छात्रों को भूमाफियों की मदद से और भूमाफियाओं और प्रशासन के गठजोड़ से उन छात्रों को बापू छात्रावास से जबरन खदेड़ दिया गया, जबकि उन्हें जो नोटिस दिया गया था, नोटिस में 15 दिन का समय था और उन्हें समय अवधि से पहले उनको खदेड़ दिया गया, वहां ताले डाल दिए गए थे, जो ताले बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया के डाले गए थे। और मुझे जानकारी मिली, छात्रों ने मुझे मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और हमारा शिक्षण कार्य बिल्कुल बंद हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रांजल गुप्ता पीलीभीत से संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रांजल, जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगी है, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहेंगे, पूरा मामला वर्ष 2018 का है, जो कि बापू छात्रावास से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिस पर जो है वर्ष 2018 में महात्मा द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा था और छात्रों को जो है निकाला जा रहा था, छात्रावास खाली कराया गया था। तो उसी को लेकर जो समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पूरे मामले में जो हस्तक्षेप किया था और जिस पर जो है 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, ताले तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, तो 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें जब चार्जशीट इसमें जो पुलिस प्रशासन का पिता आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने जो चार्जशीट सबमिट की 25 लोगों के नाम थे, जिसमें सभी लोगों के नाम निकाल दिए, सिर्फ हेमराज वर्मा जी का जो नाम जो है इसमें शामिल रखा। वही अगर चुनाव जो चल रहे हैं रामपुर में, तो वही समाजवादी पार्टी ने जो है इनको अपना स्टार प्रचारक बनाया है, तो इसको लेकर इनको प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की चीजें, इनको जो है संबंध जारी किए गए थे और कुर्की के आदेश जो इसकी पार्टी की जो कार्रवाई है वो कम से कम कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पर और सत्ताधारी सरकार पर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया, तो इनको गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे। तो अब जब ये इनको जानकारी हुई तो हाईकोर्ट में उन्होंने शरण ली, तो कहीं जाकर जो है इनको राहत मिली और इनको जो कुर्की के आदेश थे उन पर कोर्ट पर जो है रोक लगा दी गई। जी प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। गोरखपुर के एक स्थानीय मैरिज हॉल में आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय एकता जलसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ना विदेश के हैं ना विदेशी हैं, हम इस देश के हैं, इसी एहसास के साथ ये जलसा आयोजन पूरा हुआ। हम ना विदेश के हैं ना विदेशी हैं,
जिस एहसास के साथ यह जलसा इसी संकल्प के साथ आज पूरा हुआ। सर, आरएसएस की क्या विचारधारा बदल गई क्या मुसलमानों की प्रति? ऐसा है, आपका प्रश्न ही वह बेबुनियाद भी है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा जो थी है वही थी, वही है और वही रहेगी। बदल इतना ही हुआ कि मुसलमानों ने हजारों लाखों में आरएसएस को अप्रोच किया, जो नेताओं ने बताया, जो मजहबी नेताओं ने बताया और बदकिस्मती से जो मीडिया में छपा, ये आरएसएस की असलियत नहीं है। आरएसएस को बदनाम करके दिखाया गया और बताया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि आरएसएस से सीधे डायलॉग करके आरएसएस, क्योंकि गली मोहल्ले में। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के रोड पर जा रही तेज रफ्तार डंपर से टकराकर बिजली का केबल टूट गया और करंट दौड़ रहा। तार गिरने से तीन बच्चियां बुरी तरह से झुलस गई हैं। परिवार के लोग बच्चियों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने एक बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना गोरखपुर जिले के ही खोरागाद इलाके में लालपुर टिकर में मौजूद मिर्जापुर बंधे पर हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।